एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीपनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ। ब्राइड और ब्राइड मेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दीपनाश। नमस्कार अनुस्वागतक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं प्रेम नगर के यहाँ पर और आज हम यहाँ पर फिर से कुछ विषय लेकर आए हैं, बर्निंग इश्यूज, और आज हम आपको फिर से अपडेट देंगे। देखिए, सेंट्रल में तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार, जैसा आप सभी को पता होगा, जितने भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उन लोगों के ऊपर जो है, और ख़ास करके यूपी में, यूपी की सरकार में जो है योगी जी द्वारा जो है बुलडोजर चलाया जाता है। और जितने भी, मतलब हम आपको बता दें, बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के ऊपर हर जगह जो है, हर स्टेट्स में उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन अंडमान निकोबार ही एक ऐसा एकमात्र स्टेट है जहां पर कई सालों से जो है काफ़ी गलत काम हो रहा है। यहां पर कुछ लोग जो है जाने माने लोग, जिनके घर वाले, जिनके सिंपल हम बता देते हैं, जिनके घर से कोई बहुत ही बड़ा, जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल, तो वैसे लोग जो है अपना भाई का सहारा लेकर भी शायद कर सकते होंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट वे में नहीं बोलते, तो हम घूम फिर कर आते हैं मुद्दे पर। वार्ड नंबर 13 के काउंसलर सुदीप राय शर्मा, जी हाँ, सुदीप राय शर्मा, जिन्हें तैया के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी दिनों से जो है हमारे चैनल पर ही नहीं और बाकी सभी चैनल पर जो है हर कोई, और कल जैसा साजिद जी ने हमसे बात की थी जब वो चीज सकड़ी सर से मिले थे, कि सुदीप राय शर्मा उर्फ तैया के नाम पे काफ़ी बेनामी प्रॉपर्टीज है। और जब हमने उनसे बात की तो ये पता चला कि काफ़ी सारे उनके जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स या जो भी हो गया, उन सब का जो है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट पर जो है काफ़ी सारे उनके बिल्डिंग्स के जो है फाइल गुमशुदा हैं। और हम आपको ये भी बता दें, कुछ दिन पहले दिलानीपुर मेन चौक पर ही एक हादसा हुआ था, रोड बीच में धस गया था, और आप सभी को पता होगा रोड के नीचे जो है एक ड्रेनेज है, और वो ड्रेनेज जाकर जो है वो नीचे सीधे जाकर सुदीप राय शर्मा के जो होटल है देव हवेली, वहाँ पर जाकर वो ड्रेनेज जो है वहाँ पर ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है सुदीप राय शर्मा द्वारा जो है होटल बना दिया गया है ड्रेनेज को ब्लॉक कर। और इस विषय में भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ के उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे। और आज जिस मुद्दे पर हम आए हैं कि साजिद ने जो RTI डाला था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक जो है सबका है, तो RTI जो डाला गया था, तो उस RTI में क्या निकल कर सामने आया है? क्योंकि हम आपको ये बता दें, यहाँ पर जो है यहाँ की प्रेजेंट पार्टी जो है वो कांग्रेस की सरकार है, और सुदीप राय शर्मा जी जो है वार्ड नंबर 13 के काउंसलर है, वो भी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि है, उनके भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। खैर, ये सब बातें से परे हटकर हम आते हैं मेन मुद्दे पर। और जैसा कि साजिद ने जो RTI डाला था उनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उन सब के ऊपर, तो आइए हम साजिद से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस RTI में क्या रिप्लाई उन्हें मिला है। तो आइए हम बात करते हैं साजिद से, और इस वक्त हम देव महल के यहाँ पर।
तो इसी विषय में हम इनसे भी जानते हैं और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा पहले जूम करके दिखा देने पुल यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, हम यहाँ पर काउंट ही नहीं कर सकते कि कितना तला का, कितना फ्लोर का जो है ये बिल्डिंग बनाया गया, कितना स्टोरी का ये बिल्डिंग बनाया गया है। तो इन्हीं सब विषय पर लेकर, क्योंकि अगर कोई आम इंसान इतना फ्लोर का अगर बिल्डिंग बनाता है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका हमने नाम लिया है, ये जो है एक नहीं दो तीन, और दो तीन ही नहीं और भी सारे हैं जो हमें इसके बारे में हमें अब जो है साजिद जी बताएंगे और हम उनसे जानते हैं कि आरटीआई का जो है क्या रिप्लाई आया है। तो सबसे पहले साजिद जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो विषय उठाया है और न्यूज़ अब तक के द्वारा हम ये न्यूज़ को जो है कवर कर रहे हैं, तो आज और हमने ये भी वादा किया था कि इस विषय को लेकर हम हर दिन जो है अपडेट देंगे, तो आज का अपडेट जो है हम आपसे जानते हैं, आपने जब आरटीआई डाला था तो उसमें आपको जो है क्या रिप्लाई आया था, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पोर्टला म्युनिसिपल काउंसिल आग पट्टी बांध के बैठा हुआ है, जो सुदीप राज शर्मा बोलता है पोर्टला म्युनिसिपल काउंसिल वही सही लगता है, और जो अंडमान जनता को जो दिखता है वो म्युनिसिपल को गलत लगता है, लेकिन जो तैया बोलता है वो म्युनिसिपल को सही लगता है। आज हम आपसे सवाल करना चाहेगा और आपका कैमरामैन को कहेगा कि इस पेपर को जूम करके बताएं कि इसमें क्या लिखे, अंडमान जनता को बताएं। इस पर मैंने पोर्टला म्युनिसिपल काउंसिल से पूछा था कि होटल पालिका पैलेस, होटल देव हवेली, होटल तो देव महल, ये दिखाएंगे भी फोर्ट मेरिडियन, होटल देव महल ये दिखाएंगे भी फोर्ट मेरिडियन, होटल पोर्ट शेरिटन, इन सब का जो है मैंने रिकॉर्ड एंट्री और स्केच मैप मांगा था, और पोर्टला म्युनिसिपल काउंसिल कह रहा है कि नो डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। अब कैसा हो सकता है कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सुदीप राय शर्मा, पांच होटल बन गया, लेकिन किसी भी प्रकार का वो रिकॉर्ड एंट्री और स्केच मैप म्युनिसिपल काउंसिल जमा नहीं किया। देखिए, ये जो है ये आरटीआई के रिप्लाई हम आपको दिखाएंगे भी, हम आपको वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी, और इसमें डेटेड जो है 17/1/2023, सब्जेक्ट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, तो इसका हम आपको दिखाएंगे भी वीडियो में, देन बताइए। अब पोर्टला म्युनिसिपल काउंसिल कहता है कि सुदीप राय शर्मा ने कोई भी किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड एंट्री और स्केच मैप जो म्युनिसिपल काउंसिल को सबमिट नहीं किया ये होटल बनने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि बिना रिकॉर्ड एंट्री, बिना स्केच मैप का, जो म्युनिसिपल का बिना अप्रूवल का इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कैसे हो गया। सबसे पहला सवाल, सुदीप राय शर्मा का पहला प्रॉपर्टी नहीं है, सुदीप राय शर्मा का पोर्टलर के अंदर में 6 इलीगल प्रॉपर्टी बना हुआ है। अब 6 इलीगल प्रॉपर्टी का किसी प्रकार का म्युनिसिपल के पास में रिकॉर्ड एंट्री, स्केच मैप नहीं है कह रहा है। आज पोर्टला म्युनिसिपल के पास में सुदीप राय अंडमान निकोबार आइलैंड में सभी का बिल्डिंग प्लान जो है आज पोर्टला म्युनिसिपल के पास में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5-6 होटल का नहीं है, वो जो है सुदीप राय शर्मा प्रॉपर्टी है। क्यों इस व्यक्ति का नहीं है, और हम आपको एक बात के लिए रोकना चाहेंगे, हम आपको ये बता दें, इससे पहले जो हमारे जो पूर्व जो CS थे, जो गैंग रेप के आरोप में जो अभी जेल में है, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था, तो वो उनके समय में उन्होंने कहा था कि, और ये DT में भी छपा था कि जितने भी लोगों की जो है बेनामी प्रॉपर्टी है वो सब जब्त की जाएगी, और हर इस तरह का जो भी जिन लोगों ने भी मतलब एंक्रोचमेंट किया है उनका जो भी लैंड है वो उनसे लिया जाएगा, और हर जगह इवन म्युनिसिपल एरिया से लेकर हर जगह पर जितने भी इस तरह के बिल्डिंग जो वायलेशन जो कि नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। और
जब उनका कार्यभार था उस समय भी चल रहा था, उसके बाद हमारे डीसी सर सुनील अंचिपाका जी भी ये काम कर रहे थे और अब ये रूटीन जो है चल रहा है, उसके बावजूद भी जो है सुदीप राय शर्मा के ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहे हैं? वो तो अब अंडमान का मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर से या तो अंडमान के एडमिनिस्ट्रेटर से पूछना अच्छे से मालूम चलेगा कि क्यों एक इंसान को इतना फेवर किया जाता था। लेकिन मैं तहे दिल से सीएस साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे नए चीफ सेक्रेटरी है। मेरा कंप्लेंट, बहुत सारा कंप्लेंट मेरा पेंडिंग था और सीएस साहब ने जो है सीरियसली मेरा कंप्लेंट को लिया है और उसका एक्शन शुरू हो चुका है। अब बहुत ही जल्दी सुदीप राय शर्मा को साथ रिएक्शन दिखेगा। आज मैं मीडिया के सामने इसलिए सवाल करने के लिए आया हूँ, जो पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल जो जो करप्ट ऑफिसर है, जो लोग इसके पैसे बिके हुए हैं, उनको भी सज़ा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इनके पैसे में बिके हुए से क्या मतलब है आपका? वो जो ऐसा आपको ठीक लगे वैसा जनता समझ जाएगा कि एक होता ना पैसा का बल में सुदीप राय शर्मा से सर्वाइव करता है। आज उसके पास पैसा है और पैसा बदौलत किसी को भी खरीदता है, जो मर्जी वो करता है, लेकिन उसका दिन चला नहीं, उसका पैसा मेरे सामने चला नहीं। उससे हम डे वन से फाइट करते आया था और इंशाल्लाह जब तक मेरे बदन में खून है उससे हम फाइट करते रहेगा। सेकंड सवाल, मैं आपको न्यूज़ से ज़्यादा लंबा ताना नहीं चाहूँगा, मैं आपसे सीधा से सवाल में आता हूँ कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल ने क्या दिया कि 5 का 5 प्रॉपर्टी का उसका, 5 से 6 प्रॉपर्टी का उसका किसी प्रकार का रिकॉर्ड एंट्री मैप नहीं है। और जब मैंने उसका बिल्डिंग प्लान मांगा तो बिल्डिंग प्लान पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल से गायब हो गया। आज पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के पास में अंडमान पोर्ट ब्लेयर आइलैंड के अंदर जितने बिल्डिंग बना है उन सभी बिल्डिंग का फाइल पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल के पास में है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का प्रॉपर्टी का डिटेल्स म्यूनसिपल के पास नहीं है। एक आदमी का जो है बिल्डिंग प्लान का फाइल म्यूनसिपल के पास नहीं है, वो सुदीप राय शर्मा का फाइल मिसिंग का कह रहा है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि म्यूनसिपल के अंदर एक म्यूनसिपल ऑफिस के अंदर से एक ऐसा फाइल मिसिंग हो गया। अगर फाइल मिसिंग होना था 100-200 फाइल मिसिंग होना था, सिर्फ एक व्यक्ति का 5 से 6 बिल्डिंग का फाइल कैसा मिसिंग हो गया, ये बहुत ही बड़ा सवाल आज पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के सामने में और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बनता है। अगला सवाल मैं उठाना चाहता हूँ, आज मैं आपके कैमरामैन को कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं ये आपका ये बिल्डिंग आपको कितना फ्लोर का दिख रहा है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ रोहित भाई, आपको ये बिल्डिंग कितना फ्लोर का दिख रहा है? 5। तो जैसा साजिद का कहना था और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा नीचे तरीका दिखाने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर देन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर। आज आपको और हमको, आज आपको हमको और पूरा अंडमान की जनता को दिख रहा है कि यह बिल्डिंग जो है 5 तल्ला का बना हुआ है। लेकिन मैंने जब आरटीआई में पूछा, आरटीआई ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 तल्ला का बिल्डिंग बनाया गया है। देखिए साजिद ने जो आरटीआई फाइल की थी और आरटीआई का जो इनको जो रिपोर्ट मिला है उसमें देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है और ये हम आपको दिखाएंगे भी। बोलिए, आरटीआई ये कह रहा है कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ये बिल्डिंग बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में 5 तल्ला बिल्डिंग है, लेकिन म्यूनसिपल कह रहा है कि 2 तल्ला बिल्डिंग है। नहीं, म्यूनसिपल को शायद दिखा नहीं होगा ना, इसीलिए हो सकता है कि उसका पैसा भी इतना बिके हुए है तो शायद उन्हें जो है वो बाकी का जो भी फ्लोर है वो नहीं दिखा होगा, सिर्फ जितना इसमें जो मेंशन जो है सिर्फ वही फ्लोर खाली दिखा होगा, या तो उन्होंने जो है अपने आंखों पर पट्टी बांध ली होगी। मैंने भी यही आपको कह रहा कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल के अफसर जो है जो जिसका काम है कि आके इंस्पेक्शन करना, साइड स्पॉट में आना, बिल्डिंग असेसमेंट करना, बिल्डिंग प्लेन दिया जाना, अपना लगता है उनका टेप ख़राब था या टेप कोई और कंट्री से लाया गया था जिसमें उन लोग समझ में नहीं आया, या तो ऑफिसर अनक्वालिफाइड है। अब क्या है समझ नहीं आ रहा है कि सर्टिफिकेट डुप्लीकेट था जो ऑफिसर बैठा गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को लगता है 5 तल्ला बिल्डिंग बनाया गया है, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल बोलता है कि म्यूनसिपल अफसर बोलते हैं कि 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया गया है। चलो हम मान लें 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया गया है। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपको पीछे तरफ एक बार कवर करना न्यूज़ के बाद में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है कम से कम 650 से 700 स्क्वायर मीटर बनाया गया है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल का करप्ट ऑफिसर ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ
122 स्क्वायर मीटर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 122.40 स्क्वायर मीटर। और म्यूनसिपल काउंसिल के करप्ट अफसर यह कह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर, पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल का करप्ट अफसर यह कह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर में कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं आपसे आपको मैं कैमरे में बुलाना चाहूँगा और अच्छा तरीके से इसको कवर करिए। क्या आपको लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं है? इसके अंदर सारा दुकान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल कह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर में कोई एक्टिविटी नहीं है। देखिए जैसा हम आपको दिखाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर एक शॉप भी है, शॉप का नाम तो हम नहीं लेंगे, बट क्लियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितने शॉप है जी। टोटल 15 दुकान है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में, और सबके सब एक्टिवली रनिंग चल रहा है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल झूठ पे झूठ क्यों बोलते हैं और सिर्फ एक आदमी को बचाने की क्यों कोशिश कर रहा है। आज एक सवाल जो है बहुत ही बड़ा सवाल आज एक करप्ट अफसर को सामने बनता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आज अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई भी होटल का फाइल निकाल लीजिए, पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल जाइए, किसी प्रॉपर्टी कोई भी एक होटल का फाइल निकालिए, हर एक होटल का ऑनर जो है कम से कम जो प्रॉपर्टी अपना टैक्स जो होटल का टैक्स जो छोटा छोटा होटल वाला भी 2 लाख से 3 लाख रुपये बनता रहेगा। सबसे कम टैक्स मैं बता रहा हूँ, जो सबसे कम छोटा होटल है मैं उसका बात कर रहा हूँ। लेकिन सुदीप राय शर्मा के लिए पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर क्यों ये आदमी सिर्फ और सिर्फ टैक्स बांध रहा है 1,40,000 रुपया? इतना बड़ा प्रॉपर्टी का टैक्स सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 रुपया आदमी बांध रहा है। क्या प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ गरीब आदमी के लिए क्या म्यूनसिपल काउंसिल इम्प्लीमेंट करता है? आज कोई गरीब आदमी अगर प्रॉपर्टी टैक्स बांधने को लेट हो गया, 3 महीने 4 महीने लेट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स का आप दिखाइए जरा, कोई गरीब आदमी प्रॉपर्टी टैक्स बांधने कुछ महीना लेट हो गया तो यही म्यूनसिपल की स्टाफ जाके उनका पाइप डिस्कनेक्ट करते हैं, यही म्यूनसिपल स्टाफ जाके उनका हरेसमेंट करते हैं, यही म्यूनसिपल स्टाफ जाके उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन ये आदमी के लिए इतना रियायत क्यों दिया गया है? इतना बड़ा प्रॉपर्टी का टैक्स, ये देखिए ये जहाँ पर हम खड़े हैं देव महल, ये इनका है प्रॉपर्टी टैक्स का, इसका ये भी हम आपको दिखाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स का जो रिसिप्ट है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ सुदीप राय शर्मा 122 स्क्वायर मीटर में बांधता है। अब मुझे बताइए कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 122 में बनाया गया है? नहीं, बाकी का तो देखिए जैसा आपने बताया तो बाकी का तो उन्हें लगता है कि छूट दिया गया है ना, कि वो जो है वो एंक्रोच करे और वो नया कुछ बनाए। अब कोई नहीं बचेगा, जो जो अफसर इसे सपोर्ट कर रहे थे, मैं 11 महीने से अफसरों को वार्निंग दे रहा था कि सर लाइन में आ जाए, अपना डॉक्यूमेंट को सही कर ले, इसको फेवर करना छोड़ दे, ये आदमी ठीक नहीं है, आप लोग सब इसका चक्कर में फंसेंगे और अंत यह होगा कि आपको सबको अकेला छोड़ के ये बचने की कोशिश करेगा, आप सबको फंसा के छोड़ देगा। अब होने भी वाला यही है, ओला वा पहुँच बहुत ऊपर था क्या अफसरों, मे भी वो लोग कोर्ट से बेल लेके कुछ भी हो कि छूट सकता है, आप लोग फंस गए इनके चक्कर में। इसलिए मैं देवन से कह रहा था अफसरों को कि इसको सपोर्ट करना छोड़ दे। अब अफसर इसके सपोर्ट में इतना चले गया कि क्या सेटिंग है पेटिंग है मुझे मालूम नहीं है। क्यों ये क्या लोगों को डराता धमकाता है क्या कि ये अपने भाई का नाम लेकर कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे? मैं उनके परिवार में जाना नहीं चाहता हूँ, उनके भाई का क्या है। देखिए सवाल पूछना ये हमारा काम है, कहीं ये उनका भाई का नाम लेकर मिसयूज तो नहीं कर रहे? अंडमान में सभी को मालूम है कि किसका भाई सुदीप राशन है, किसका भाई सभी को मालूम है। ये हो सकता है अफसर उससे डरते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे डरने का आवश्यकता किसी प्रकार का है। लेकिन आपको उससे डर है? अगर डर होता ना भाई रोहित भाई तो आज ये स्टेज में मैं खड़ा नहीं होता। आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना ओपन हिम्मत ओपन चैलेंज देने की चुनौती इन लोगों को किसी का नहीं है। मैं हिम्मत कर रहा हूँ और जब तक मेरे रगों में खून रहेगा इस करप्ट इंसान के खिलाफ हम लड़ता रहेगा। ये लोग मेरा मर्डर भी जो प्लान किया था, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे जान का खतरा है, ये लोग मेरा कुछ भी कर सकता है। अब मेरा कुछ होगा भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी लोग का रहेगा जो सुदीप राय जो मेरा मानने प्लान करता है। एकदम बंद कर दो बेटा, नहीं तो कल को ऐसा होएगा, मेरा कुछ होगा नहीं और तुम जो अटैम्प कर रहा है तुम्हारा अटैम्प तुमको बहुत बुरा पड़ेगा। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि अपना हरकतबाजी एकदम बंद कर दो, मेरा पीछा करना तुम छोड़ दो, मेरा साथ मेरा खुदा है, मेरा जान का परवाह मेरे जान का फिक्र ऊपर वाला करेगा, तुम मैं जान का चिंता करना छोड़ दो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा तरीके से प्रॉपर्टी को दिखाए। अब मैं आपको आगे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी
ये तो 20% घोटाला मैंने आपको दिखाया है और 80% घोटाला अगला प्रॉपर्टी आपको मैं जगह दिखाऊंगा। आप सब आपसे रिक्वेस्ट करता है वो भी मेरे साथ कॉपरेट करे, वो भी प्रॉपर्टी उसको देखे। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा फुल दिखाने के लिए, ये होटल आखिर है कितनी बड़ी। देखिए ये अब आप खुद देखकर बताइए कि कितने फ्लोर का ये है, क्योंकि जब RTI में जो है बताया गया है कि ये सिर्फ दो तल्ला का बिल्डिंग है, लेकिन आप देखकर बताइए कि ये दो तल्ला का है कि ये कितना का है। अगर देखिए, अगर ऐसे में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और ये जो है देव हवेली, अगर यहाँ पर कुछ भी हादसा हो जाता है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन आखिर, यही हम जानना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है पूछना चाहते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं देव हवेली के यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी गेस्ट यहाँ पर आते हैं और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा साजिद ने जो RTI डाला था तो उस RTI रिपोर्ट में जो है इस होटल का भी जो है जिक्र किया गया था। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं गेस्ट तो यहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन अगर गेस्ट को कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबल है कौन? आइए हम जानते हैं साजिद से। बताइए साजिद जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि होटल पालिका पैलेस, होटल देव हवेली, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ बनाया गया है और पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल यह कह रहा है कि दोनों प्रॉपर्टी का जो है कंस्ट्रक्शन एरिया सिर्फ और सिर्फ 235 स्क्वायर मीटर बनाया गया है। अब ये सवाल बनता है अगेन, ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में, ये पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के सामने में, क्या आपका पास ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग विंग है, आपके पास ऐसा कौन सा सर्वेयर है, आपके पास ऐसा कौन सा अफसर है जिन्होंने प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया था और असेसमेंट करके ये RTI के मुझे जवाब दिया और जवाब में मुझे यह कह रहा है कि ग्राउंड फ्लोर जो है दोनों प्रॉपर्टी, होटल देव हवेली और होटल पालिका पैलेस, ये दोनों प्रॉपर्टी का जो है कंस्ट्रक्शन एरिया ग्राउंड फ्लोर 235 है, फर्स्ट फ्लोर भी 235 है और सेकंड फ्लोर भी 235 है और थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब मैं सवाल करता हूँ पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल से और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर्टी अच्छे से दिखाए कि इसमें कितना तल्ला बनाया गया है। पहले आप ये दिखाइए कि आपको RTI में क्या, आपको क्या मेंशन किया गया है। देखिए RTI में जो है ये मेंशन किया गया है और आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं 706 स्क्वायर मीटर जो है यहाँ पर मतलब जो मेंशन किया गया, फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये तीनों तल्ला मिलाकर 706 स्क्वायर मीटर में कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब मेरा सवाल है कि क्या आपके कौन सा प्रकार का दिखता है कि ये बिल्डिंग का जो है ग्राउंड फ्लोर जो है 235 स्क्वायर मीटर है और फर्स्ट फ्लोर 235 है और सेकंड फ्लोर 235 है और थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है कह रहा है, लेकिन मेरा आँख में सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में और चार तल्ला बनाया गया है और चारों चार कंप्लीटेड है। डैट मीन ये भी एक 5-6 तल्ला बिल्डिंग है जिसमें कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल का ऑफिसर, करप्ट ऑफिसर यह कह रहा है कि 2 ग्राउंड + 2 बनाया गया है, बाकी सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सुदीप राय शर्मा अपना प्रॉपर्टी टैक्स बचा सके, जो टैक्स उसको सालाना ये प्रॉपर्टी का 25 लाख रुपये बांधना पड़ता है, आज जो टैक्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपये बांधता है। तो सोच के देखें, अगर एक आदमी एक प्रॉपर्टी का अगर 24 लाख रुपये म्यूनसिपल चोरी करता है, उसका 5-5 प्रॉपर्टी है पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, अगर एक प्रॉपर्टी से अगर 24 लाख चोरी करता है तो 4 प्रॉपर्टी कितना हो गया, 96 लाख रुपीस। डैट मीन एक साल के अंदर 5 प्रॉपर्टीज का, माफ़ कीजिए, डैट मीन एक साल के अंदर है पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर में ये आदमी 1.5 करोड़ रुपये चोरी करता है, जो 1.5 करोड़ रुपये जो टैक्स बनना है वो टैक्स का पैसा बचाने के लिए ये फेक असेसमेंट म्यूनसिपल काउंसिल को देता है और जो अफसर को जो है जो 20 लाख के बदली में अफसर को जो है 2 लाख रुपये कैश देता होगा और 1 लाख म्यूनसिपल काउंसिल बांधता होगा, 3 लाख में से काम खत्म और 2 लाख जो है रिश्वत लेकर पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल का अफसर जो इसके 1 लाख रुपये टैक्स लेके 3 लाख रुपये में इनका पूरा पूरा काम करता है, जो जगह इसको 25 लाख रुपये देना है वो जगह से 3 लाख रुपया काम होता है और 1 लाख रुपया जो म्यूनसिपल के काउंसिल को जाता है और 2 लाख रुपया अफसरों को जाता है। आप इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं? नहीं तो भी
हाउ इट्स पॉसिबल, आप मुझे बताइए ये कैसा पॉसिबल है कि एक आदमी के लिए म्यूनसिपल काउंसिल इतना झूठ क्यों बोल रहा है? आप मैं सवाल कर, सामने एक बिल्डिंग बनाया गया है, आप जाके वो ऑनर से पूछे टैक्स कितना बांधता होगा, वो ऑनर कम से कम 2.5 लाख टैक्स छोटे से घर का बांधता रहेगा, लेकिन अब इतना बड़ा प्रॉपर्टी है इसका टोटल दोनों एरिया मिलाकर, मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों एरिया मिलाकर इसका कम से कम 1200 स्क्वायर मीटर में ग्राउंड फ्लोर बनाया गया है, 1200 फर्स्ट फ्लोर है, 1200 सेकेंड फ्लोर है, 3rd, 4th, 5th जितना भी इसका फ्लोरिंग एरिया है वो सब के सब जो है इसका 5 तल्ला में 1200 1200 1200 1200 बनाया है, लेकिन पोर्टला म्यूनसिपल कम ये कह रहा है कि 230 230 230 से बनाया गया है, ये कैसा हो सकता है? आप और एक सवाल, खाली होटल का नाम चेंज है, प्रॉपर्टी एक साथ बनाया, एक साथ मिला के बनाया गया है, एक एक 0.5 इंचेस भी दो प्रॉपर्टी में जो गैप नहीं है, पालिका पैलेस और होटल देव हवेली एक साथ मर्ज प्रॉपर्टी है, एक की सर्वे नंबर है, पालिका पैलेस तो बाहर है जो अनारकली पे है, इसके अपोजिट ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ है, इसका एंट्रेंस यहाँ से है, उसका एंट्रेंस वहाँ से है, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ बनाया गया है, बीच में मर्ज है ये एक साथ। तो कैसा डीसी ऑफिस से डीसी साहब एक प्रॉपर्टी के ऊपर में 2 बार लाइसेंस देता है, यहाँ भी इसका बार है वो वहाँ भी उसका बार है, और सबसे पहला बड़ा बात ये बिल्डिंग में आकर कोई टूरिस्ट रुकेगा, क्योंकि म्यूनसिपल काउंसिल सीधा सीधा कह दिया कि सुदीप राय शर्मा ने किसी प्रकार का बिल्डिंग रिकॉर्ड एंड स्केच मैप दिया नहीं है, इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं है, इसका फाइल मिसिंग का प्रॉब्लम म्यूनसिपल काउंसिल से, इसके पास किसी प्रकार का डाटा नहीं है म्यूनसिपल के पास में, अगर इन फ्यूचर में कभी फायर इंसिडेंट होता है, इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आता है, अगर कूपर वाला ना कर ऐसा कभी कुछ आए, और इसमें अगर टूरिस्ट रुका हुआ रहेगा, अगर उनका जान का कुछ होगा तो क्या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और ये पोर्टब्लेम म्यूनसिपल काउंसिल उस जान का जिम्मेदारी लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लेगा, जिसका होटल है वो लेगा ना, क्यों लेगा? अगर होटल का ऑनर को अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता तो पोर्टब्लेम म्यूनसिपल का मैं अगर देखना है इसको। देखिए जैसा आप कह रहे हैं, अगर उनको एक्शन लेना होता तो बहुत पहले वो ले चुके होते, आखिर उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो होगा दबाव। आज अफसर किसका दबाव में काम करेगा? आज दबाव किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। आज जो मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं टेलीविज़न में आके, मीडिया में आके बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम आने के बाद में करप्शन कम करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा सरकार जो है एक प्रकार के लोगों को वोट बैंक के लिए काम करता है। अगर वाकई में अगर हिम्मत है अमित शाह के अंदर में, अगर वाकई में हिम्मत है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर में, वाकई में हिम्मत है ईडी के अंदर में, तो आगे मारे इसके ऊपर रेड? नहीं मारेंगे। ये जो लोग बीजेपी है ना, ये बहुत भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बहुत ही झूठा पार्टी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचार का काम करते हैं, वाकई में कुछ नहीं करते हैं। अगर हम चैलेंज करते हैं बीजेपी पार्टी से, अगर हिम्मत है सुदीप राय शर्मा के ऊपर एक्शन लेके दिखाए। आज क्यों विशाल जोली जी खामोश बैठे हुए हैं? आज क्यों अजय बनर्जी जी खामोश बैठे हुए हैं? क्या उनका प्रॉपर्टी दिखता नहीं है? ज़रूर दिखता है, कहीं ना कहीं ये लोग का सबका साठगांठ कहीं ज़बरदस्त रहेगा, इस वजह से आज जो बीजेपी पार्टी है वो भी खामोश बैठा है। लेकिन कोई खामोश रहे, कोई आवाज़ दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा बात एक ही है, सुदीप राय शर्मा करप्ट इंसान है, इसने टैक्स चोरी किया है, ये एक समाज के बाद गंद मचा समाज के अंदर रखा है, इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और मैं अंत तक इसके खिलाफ फाइट करता रहूँगा। और जो अफसर इसे सपोर्ट कर रहा है, अगेन उनसे रिक्वेस्ट है इनको गलत काम में सपोर्ट करना छोड़ दे, अर्थात अगेन आपको मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, आप भी बहुत ज़बरदस्त केस में फंस सकते हैं। अगर आपको इससे बचना है अपना डॉक्यूमेंट एकदम सही कर दे, जो गलत आप काम करके रखे थे उसे सही कर दे। अब एंटी करप्शन जो काम शुरू अपना कर दिया है, अब जो जो अफसर इसमें इन्वॉल्व है वो लोग भी बहुत ज़बरदस्त फंसने वाले हैं, इसलिए उनको अगर थोड़ा सा भी रियायत चाहिए, थोड़ा सा बचना है तो इनका जो टैक्स जो लेना है बराबर टैक्स लेना शुरू कर दे। इसका जो बिल्डिंग पॉल्यूशन है, सुनने में आया था एक 90s के दौर पर भी एक यहाँ पर रेड हुई थी, CBI द्वारा जो है दिल्ली से पुलिस टीम आई थी और इन्हीं के घर पर जो है छापामारी हुई थी, क्या ये बात सच है? वो तो अंडमान के जो मेरा उम्र के लोगों नहीं मालूम, मुझे तो मालूम है कि डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास है, मुझे तो मालूम है, मेरे उम्र के लोगों को मालूम नहीं होगा कि यही सुदीप राय शर्मा था जिसके ऊपर मैं CBI ने कलकत्ता से आकर अंडमान में इसे अरेस्ट करके लेके गया, इसे तिहाड़ जेल में रखा और इससे कई करोड़ रुपया जब्त किया गया।
वो जो पुराना बात है मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि मतलब इसका तो हैबिट है ना, चोरी करो चोरी करो चोरी करो चोरी करो, एक इंसान का इतनी सी है लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता, और मांगता और मांगता और मांगता और मांगता, उसका वो ना उसको मेंटली पागल की तरह हो गया, उसको खाली पैसा दिखता, सुबह भी उठेगा उसको पैसा मांगता, शाम को उठेगा उसको पैसा मांगता, दिन को भी उसको पैसा मांगता, उसका दिमाग में सुबह से यही चलता है कि हम सुबह उठेगा किसको ब्लैकमेल करेगा, कौन ऑफिसर को डराएगा, किसको उंगली करेगा, किसको हम ये करेगा, किसको हम वो करेगा, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ इसको उंगली करो, उसको उंगली करो, इससे उंगली करो, इसको उसको लड़ाओ, उससे इसको लड़ाओ, काम धंधे कुछ नहीं है, चोरी तो दुनिया का करके बैठा है, इसका काम धंधा कुछ नहीं है, इसका काम है सिर्फ उसको उंगली करना, इसको उंगली करना, इससे उसको लड़ाना, इससे इसको लड़ाना, साजिश को उससे लड़ाना, साजिश उसको उससे लड़ाना, ऐसा काम लड़ाने की है, ऐसा काम धंधा कुछ कुछ भी काम धंधा नहीं, चोरी चोर तो नंबर वन चोर अंडमान में कोई है तो वो सुदीप राय शर्मा है, और मैं सुदीप राय शर्मा को चेतावनी देना चाहता हूँ, तूने मुझे उंगली करा, मैं तुझे कर रहा हूँ, और तुम सोचता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भेजता है ना, बड़ा बड़ा लोगों के पास जाता है कि साजिद को समझाओ, ऐसा मेरे से बात कर लो, मेरे से साजिद से सेटलमेंट करा दे, करा दो करा दो, तुम जाके कोई प्रधानमंत्री से भी बुलवा दे साजिद को ना कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, साजिद तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है, आज मीडिया के सामने कह रहा है, साजिद के रगों में जब तक खून रहेगा इस साजिद सुदीप राय शर्मा से लड़ाई लड़ता रहेगा। बहुत हम आपसे रुकिए हम आपसे एक बात और एक कम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, लेकिन जब हम ऐसा कुछ न्यूज़ कवर करते हैं तो कुछ जो है उनके भाड़े के टट्टू, हम डायरेक्ट कहते हैं भाड़े के टट्टू, एक टाइमिंग होता है उनका, उन वो टाइमिंग में ही शायद देखकर ही लगता है कि वो टाइमिंग में ही वो मूड में आते हैं, और वो जब ये न्यूज़ जो है सारे ग्रुप में सर्कुलेट होता है तो वो लोग जो है इस पर जो है कमेंट्स करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कल आपने न्यूज़ कवर किया, कल कुछ कल कोई कमेंट किया? नहीं, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग जो है मतलब कमेंट्स करते हैं, नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन बराबर एक टाइमिंग में, क्योंकि शायद वो टाइमिंग में जो है उन्हें एनर्जी मिलती है, ज़रूर वो कहीं ना कहीं से जाकर पी कर आते हैं और आकर जो है अपना कमेंटबाजी करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? डेली पीता होगा, ब्लैक पेपर पीता होगा, डेली कोई डिम्पी उम्पी पीता होगा, जब सुदीप ऐसे न्यूज़ चलता है वो बुला के ब्लेंडर स्प्रेड देता होगा, तो एक रात में उसको के लिए वो लोग मजबूर है, वो लोग गलत मत बोलो, वो लोग मजबूर है बेचारे लोग, उन लोगों को शराब वराब पीने को दे देते हैं, वो लोग लिखते होंगे, वो लोगों पर मत जाइए, हम लोग का काम है सिर्फ और सिर्फ जो मेन अक्यूज़ है हम लोग उसको सजा दिलाना है, वो क्योंकि हमेशा ही न्यूज़ अब तक का जो ऐसा ही कुछ न्यूज़ आता है, देखिए हम जो है हमेशा जो है सच दिखाते हैं, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा बात है, सच दिखाना हमारा काम है, और आप लोग चाहे ग्रुप में लिखो कहीं भी लिखो, हम डरने वालों में से नहीं है, और आप जो मांगता है आप कीजिए, और इसमें आपको अगर कुछ कहना है तो उनके लिए दो शब्द आप और भी कुछ कह लीजिए, क्योंकि कल जो है फेक कमेंट्स की जो है बरसात नहीं हुई थी, लेकिन आज शायद हो सकती है, क्योंकि आज उन्हें जो है मतलब ज़्यादा जरा पीने को मिलेगा शायद। रोहित भाई मैं वो कह रहा हूँ ना, अगर कोई फेक आईडी से हिम्मत है आज कमेंट कर दिखाने बोलिए, आईडी के साथ ये लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी मतलब कोई भी फेक आईडी से अगर आप तक चैनल में फेक आईडी से इस न्यूज़ के ऊपर ना फेक कमेंट करने दो ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं सुदीप राय शर्मा को नहीं छोड़ा तो उन लोगों से कुछ छोड़ूंगा क्या? नहीं देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में तो नहीं आता है, लेकिन काफ़ी सारा व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, और ये ऐसे लोग हैं ये जो एक दो अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप बना कर रखिए, अगर इन्हें दम होता है ना तो आकर आपसे डिबेट कीजिए, सिंपल सा बात। मैं अंत में यही सवाल बात कहना चाहूँगा, अगर है किसी में हिम्मत वन टू वन मुझसे डिबेट कर ले सुदीप राय शर्मा मुद्दा में, सुदीप राय शर्मा तुम तो कहीं मेरे से डिबेट करने के लिए आएगा नहीं, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर में अपना कोई बाड़ों के टट्टी को भेज दो, किसी को भी भेज दो, मैं उसके खिलाफ में उसके करप्शन के खिलाफ में मैं डिबेट करने के लिए किसी से भी तैयार हूँ, और अंत में मैं एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सभी चाहता हूँ, आज इस प्रकार के एंटी करप्शन के अंदर में जो इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है इसे बरकरार रखे, किसी भी प्रकार का आप लोग प्रेशर में ना आए, आप कहीं से फ़ोन आए जो आइयो जो बना गया उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी प्रकार का अगर आप प्रेशर में ना आए, आपको जो सही लगता है आप वो सही करिए, मैं आपको यही नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरा बात सुनो चलिए, मैं आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करिए, अगर साजिद सही बोल रहा है तो सुदीप राय शर्मा के ऊपर आप एक्शन लीजिए, अगर फिर भी अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन अगर एंटी करप्शन या पुलिस विभाग अगर कोई भी सुदीप राय शर्मा का अगर 1% भी फेवर करना चाहेगा तो अगला जो सर्किट बेंच आ रहा है हाईकोर्ट का उसमें अपील करने जा रहा हूँ। ये होटल
क्योंकि टोटली वॉयलेशन होटल है, किसी प्रकार का इसके पास बिल्डिंग प्लान नहीं है, किसी प्रकार बिल्डिंग अप्रूवल नहीं है, ये होटल है किसी प्रकार का रिकॉर्ड एंट्री स्केच में म्यूनसिपल काउंसिल जमा नहीं किया गया है। अगर नीचे रहता वाला घर में अगर इन फ्यूचर कभी कोई अर्थक्वेक आता है, कुछ आता है, अगर बिल्डिंग कोलैप्स होता है, अगर किसी का जान इसमें जाता है, तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, पोर्ट ब्लॉक म्यूनसिपल काउंसिल लेगा कि पोर्ट ब्लॉक म्यूनसिपल का करप्ट अफसर लेंगे, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? आज हम ये सवाल करना चाहते हैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से। आज अपना बार इलीगल बिल्डिंग में आज बार चालू कर रखा है, आज बार को लीज में दे कर रखा है, महीने का 80,000 1,00,000 रुपया महीना का लेता है और टैक्स बांधता है सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपया। इसके पास दो बार है, दो बार का महीना का जो उसका जो रेंट है 3,00,000 रुपया मिलता है। इसका एक प्रॉपर्टी में 80 रूम है, एक प्रॉपर्टी में 70 रूम है, दोनों प्रॉपर्टी में 150 रूम आता है, दोनों रूम फुल जाते हैं एकदम से। तो महीना का एक आदमी कमाता है 1.5 से 2 करोड़ रुपये कमाता है और म्यूनसिपल को सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये टैक्स पे पेड करता है। अब क्या इनकम टैक्स वो चीज़ दिखाई नहीं देता किस प्रकार के इनकम टैक्स का चोरी ये सुदीप राय शर्मा करता है? मैं अंत में एडमिनिस्ट्रेशन का नज़र इसके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर ये घर वाला को वो घर वाला किसी का भी जान माल का कोई नुकसान हुआ तो हम सवाल ये एडमिनिस्ट्रेशन से करेगा, ये सवाल हम वो करप्ट अफसरों से करेगा, ये सवाल हम वो काउंसिल से करेगा जिन्होंने इस तरीका का इलीगल बिल्डिंग चलाने के लिए परमिशन दे के रखा है। मैं देवन साहब कह रहा था, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वैसा नज़ारा। अब तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्ट ब्लॉक म्यूनसिपल काउंसिल अपना आँख को खोले, अब देखे ये पब्लिक का नाली है, किस प्रकार नाली के ऊपर होटल बना कर रखे आप देख सकते हैं। अब भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर इससे ज़्यादा कोई सबूत चाहिए तो हम क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा है। इससे बड़ा सबूत आपके लिए क्या हो सकता है? एक नाली के ऊपर मतलब होटल पूरा बना के आदमी रखा है। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो है जैसा हमने आपको बताया था दिलानीपुर में एक बार जो है रोड बीच से जो है स्लाइड हो चुका था, वो रोड स्लाइड होने का कारण ही यही है क्योंकि ये जो ड्रेन जो है ये ड्रेन जो है ब्लॉकेज हो चुका था, इसी के कारण जो है रोड बीच से स्लाइड हो गया था। और ये देखिए आप देखिए बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, आसमान नहीं दिखता बोलो, देखिए अगर यहाँ से अगर कुछ होता है, ये अगर बाय चांस यहाँ पर कुछ भी होता है तो अगल बगल के जो घर है देखिए आप यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट देखिए आप, ये बिल्डिंग है ताजमहल है। बिल्डिंग की हाइट देखिए आप और ये है देव महल और ये है आपका पालिका पैलेस। देखिए दो होटल जो है एक साथ मर्ज करके किसने बनाया है और ये चीज जो है सबको पता है। तो अब आप सोचिए कि इसके ऊपर आप लोग कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सच दिखाना हमारा काम था, वो हम दिखा चुके हैं, अब बाकी आपके ऊपर है। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार एक पब्लिक ड्रेन के ऊपर में कब्जा करके अपना फायदा के लिए एक बिल्डिंग बनाया है। अगर कोई गरीब आदमी अगर रेवेन्यू का 20 स्क्वायर मीटर लैंड एंक्रोचमेंट करता है तो वे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस के लोग जाकर उनका छोटा छोटा घर को तोड़ते हैं। लेकिन इतना बड़ा गलती जो हम आपको आ सकते म्यूनसिपल काउंसिल को और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को हम आपका मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं नाली के ऊपर घर बना के रखा है। अगर अब भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं करता है, अगर कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है
क्या कानून इस तरीके का पैसे वाले अमीर लोगों के लिए कानून नहीं है? क्या ये लोग इस तरीके का लोग क्या अपने मनमानी करेंगे? क्या अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में के दो प्रकार का कानून आप लोग बना कर रखा है, एक गरीबों के लिए एक अमीरों के लिए? कोई अमीर आदमी भी इतना बड़ा वायलेशन कोई नहीं किया होगा जिस प्रकार से सुदीप राय शर्मा किया है। सिर्फ कानून, रूल्स, रेगुलेशन, सेक्शन, आर्टिकल, एक्ट, ये सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर में नियम लागू होता है। इस तरीके का चोर आदमी के ऊपर में, सुदीप राय शर्मा के ऊपर में, करप्ट व्यक्ति के ऊपर में कानून लागू क्यों नहीं होता? आज पोर्टा म्यूनसिपल के लोग जो छोटे छोटे जो घर बनाते हैं उन लोगों को जाके स्टे ऑर्डर देता है, घर को सील करता है, क्यों इस तरीके का करप्ट इंसान के घर को सील नहीं किया गया? अगर बिल्डिंग के ऊपर अगर अर्थक्वेक आएगा, कभी कुछ बिल्डिंग गिरेगा, अगर एक घर में रहने वाला इंसान हो कभी कुछ होगा, अगेन मैं सवाल करता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कि बिल्डिंग ऑफिसर लेंगे, कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर लेगा, कि वो साइड इंस्पेक्टर लेगा, कि वो अविनाश कुमार जी लेगा, SC जो साहब जो पोर्टा म्यूनसिपल काउंसिल के SC लेगा, कि पोर्टा म्यूनसिपल काउंसिल का सेक्रेटरी लेगा, कि PBMC का चेयरपर्सन लेगा, कि अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, कि LG साहब लेगा? अगर यहाँ पर रहने वाला नियर बाई किसी का जान माल को नुकसान होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये सवाल आज अंडमान प्रशासन के सामने बनता है। अगर अंडमान प्रशासन इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है किसी जान माल का नुकसान का, तो इमीडिएट इस तरीका का इलीगल कंस्ट्रक्शन जो सुदीप राय शर्मा ने करके रखा है इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार का टैक्स चोरी, जो टैक्स उसके एक एक प्रॉपर्टी का 25 लाख 30 लाख बांधना है और वो सिर्फ 1 लाख रुपया बांध रहा है, उसके खिलाफ FIR इमीडिएट। जो फेक असेसमेंट सुदीप राय शर्मा ने पोर्टा म्यूनसिपल काउंसिल को दे के रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो फेक बिल्डिंग प्लान तो जो पोर्टा म्यूनसिपल काउंसिल जो बोल रहा है कि इतने कम एरिया में बिल्डिंग बनाया गया है, जो ऑफसाइड इसके ऊपर में रिपोर्ट मुझे देता है उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। इन सभी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्टा म्यूनसिपल काउंसिल, अगर जो टूरिस्ट यहाँ रहते हैं अगर उसका जान कभी को नुकसान होगा, अगर ये होटल का नियर बाई रहने वाले को कभी को नुकसान होगा, अगर पोर्टा म्यूनसिपल काउंसिल अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो इमीडिएट जो है इस तरीके का होटल को सील किया जाए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है इसे इमीडिएट तोड़ा जाए, और आम आदमी का जान के साथ और जो बैलेंस चाहे टूरिस्ट के साथ में खिलवाड़ ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बात पे यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद जी हमसे बात करने के लिए। तो आज जो है काफ़ी लोगों को जो है मुँह तोड़ जवाब दिया गया, कुछ भाड़े के टट्टुओं को भी, जो लोग जो है हम जो भी न्यूज़ कवर करते हैं, इवन जो भी बर्निंग इश्यूज है और इस तरह के जो न्यूज़ जो है जो हम जो कवर करते हैं और हम काफ़ी सारे ग्रुप में जो पोस्ट करते हैं, तो ये लोगों के एक टाइम होता है, वो टाइम में जो है ये लोग जो है कहाँ से पीते हैं, क्यों पीते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना वायलेशन है यहाँ पर, और हम आपको देखिए यहाँ पर क्लियर जो है मेंशन है, देखिए नीचे जो है बार है, देन उसके ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर और एक फ्लोर, देन और एक फ्लोर, तो कुल मिलाकर जो है छः फ्लोर है। और हम आपको जो है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट द्वारा जो है RTI जो दिया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, RTI का जो रिप्लाई जो आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और शायद आज भी होगी फेक कमेंट्स की बारिश, तो हम आशा करते हैं और हम यही उम्मीद में रहते हैं कि आप लोग ऐसा फेक कमेंट्स कीजिए, क्योंकि फेक कमेंट्स इसीलिए करते हैं ना क्योंकि आप लोगों को जो है मिर्ची लगती है। इसी के साथ ही मेरे कैमरामैन नवीन के साथ न्यूज़ साप्ताहिक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।